नमस्कार दोस्तों, किसी भी विलयन में प्रकाश के अवशोषण की मात्रा को ज्ञात करने के लिए लैम्बर्ट तथा बियर नामक वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया जिसे हम लैम्बर्ट बियर का नियम कहते हैं और अभी हम इसको जानेंगे। इसके साथ साथ हम लैम्बडा मैक्स ज्ञात करने के लिए भी नियम को जानेंगे। अब पहले इसको जान लेते हैं। जब एकवर्णी प्रकाश की किरण किसी तनु विलयन से प्रभावित की जाती है तो अवशोषण की मात्रा किरण द्वारा तय किए गए पंथ में अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अर्थात हम तनु विलयन के लिए कह सकते हैं कि पंथ में अणुओं की संख्या विलयन की सांद्रता तथा पंथ की लंबाई के समानुपाती होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारे अवशोषण की मात्रा है किसी तनु विलयन के लिए उसकी सांद्रता तथा उसकी लंबाई के गुणनफल के समानुपाती होगी। अब इसको इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए हम एक नियतांक लेंगे जिसे एप्सिलॉन से हम दर्शाते हैं। इस नियतांक को हम मोलर अवशोषण गुणांक कहते हैं, यानी अवशोषण की मात्रा इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल इज इक्वल टू लॉग 10 बेस आई नोट अपॉन आई से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें आपतित किरणों की तीव्रता ज्ञात होनी चाहिए और पारगमन किरणों की तीव्रता ज्ञात होनी चाहिए। आई नोट आपतित किरणों के लिए और आई हमारी पारगमन किरणों की तीव्रता शो कर रही है। जैसे हम लैम्बडा और अवशोषण गुणांक के मध्य ग्राफ खींचना चाहिए तो ये हमारा अवशोषण गुणांक है और ये हमारा यहाँ लैम्बडा मैक्स आएगा और इस साइड में लैम्बडा है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है जहाँ पर ये लैम्बडा मैक्स है। अब लैम्बडा मैक्स किसी भी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है जिसे हम बदल नहीं सकते। जैसे हम बेंजीन लेंगे तो बेंजीन के लिए अलग होगा, टोलुइन लेंगे टोलुइन के लिए अलग होगा। लेकिन जो अवशोषण की मात्रा है वो किस पर निर्भर कर रही है? सांद्रता पर। यदि हम बेंजीन की सांद्रता बढ़ा देंगे तो अवशोषण ये इतना हो जाएगा, लेकिन लैम्बडा मैक्स तो एक ही रह रहा ना। लैम्बडा मैक्स जैसे यहाँ पहले 5 था तो अब भी 5 है, लेकिन अवशोषण यहाँ पहले कितना था? 4 था, तो अब कितना हो गया है? 5 हो गया है। यानी अवशोषण गुणांक तो पदार्थ का विशिष्ट गुण नहीं है, वो तो सांद्रता और उसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है, लेकिन लैम्बडा मैक्स किसी भी पदार्थ का विशिष्ट गुण है। अब दोस्तों, और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वुडवर्ड और फीजर। उन्होंने किसी भी पदार्थ कार्बनिक यौगिक की लैम्बडा मैक्स गणना करने के लिए एक नियम दिया, जिस नियम के अनुसार हम कुछ मूल मान लेते हैं और कुछ टर्म होती है। जैसे एक वलय के लिए, जैसे हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल की सहायता से समझना चाहिए, ये हमारी आकृति किस रूप की है? विषम वलयाकार। जो इस फॉर्म का होता है वो विषम वलयाकार होता है। विषम वलयाकार के लिए उन्होंने मूल मान निर्धारित किया 214 नैनोमीटर। अब इसमें और जैसे वलय के लिए और जोड़ेंगे हम, इसमें यदि बाह्य सहयुग्म बॉन्ड है तो उसके लिए अलग अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल की सहायता से समझना चाहिए कि जो हमारा विषम वलय का सहयुग्मिडाइन, अब कौन सा, पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन सा पदार्थ लैम्बडा मैक्स यानी प्रकाश को अवशोषित करता है जिसमें कंजुगेशन हो, जिसमें क्या होना चाहिए? कंजुगेशन यानी सहयुग्मन होना चाहिए। सहयुग्मन किसे कहते हैं? जिसमें दो क्रमागत डबल बॉन्ड होने चाहिए, यानी जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, या जिसके हम कह सकते हैं पाई से पाई स्टार संक्रमण होना जरूरी है। जिसमें पाई से पाई स्टार संक्रमण होता है वो हमारा प्रकाश को अवशोषित करता है। और आगे बहुत डिटेल में जाननी है तो आप यहाँ संक्रमण को पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको जितना मुझे आ रहा है उतना मैं शेयर कर रहा हूँ, और यदि इसमें कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर दूंगा। जैसे हम यहाँ से इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो एक तो हमारे यहाँ पर कट हो रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी यह 4 जगह कट कर रहा है वलय को, तो इसे हम कहेंगे 4 वलय अवशेष। 4 वलय अवशेष यानी एक वलय अवशेष के लिए हम वुडवर्ड फीजर के नियम के अनुसार 5 लेते हैं। 4 के लिए कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और इसका मूल मान 214 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पर लैम्बडा मैक्स 234 नैनोमीटर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें तो हमारा सम वलयकार है। सम वलयकार हम जैसा कि अभी जान चुके हैं कि पहले हम कंजुगेशन को निर्धारित करेंगे। यहाँ पर मैं कंजुगेशन को निर्धारित करता हूँ तो यह मेरे वलय को 2 जगह काट रहा है, और यहाँ पर सम वलयकार है तो सम वलयकार के लिए लैम्बडा मैक्स 253 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ मूल मान क्या लेंगे हम? 253 नैनोमीटर, और इसमें अवशेष वलय कितनी है? 2, एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है,
तो अवशेष बल दो के लिए हमारा 10 नैनोमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक के लिए 5 होता है, तो इसका कुल योग 263 नैनोमीटर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर एवलेकार डाइंस यानी एवलेकार सयुग्मन के लिए हम बात करें, तो पहले हम सयुग्मन को निर्धारित करेंगे। ये हमारा सयुग्मन बन रहा है, सयुग्मन बनने हमने चेक किया तो यह कितने जगह काट रहा है, एक जगह, यानी इसमें अवशेष वलय कह दो या इसमें हम एल्किल समूह कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वलय है नहीं, ये अवलयकार है, इसीलिए यहाँ पर एल्किल समूह कितना है, एक प्रतिस्थापी एल्किल समूह है, तो उसके लिए हम 5 नैनोमीटर और लेंगे। इसका मूल मान 217 होता है। देख लीजिए, अगेन देख लीजिए, विषम वलयकार के लिए मूल मान 214, सम वलयकार के लिए 253 और अवलयकार सयुग्मन के लिए 217 नैनोमीटर होगा। इसमें 5 ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 222 नैनोमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर हम अगेन देखें एक और एग्जांपल की सहायता से, यहाँ पर भी हमारा डाइन इसको देखें तो ये किस प्रकार का है, समवलयकार सयुग्मन है। लेकिन इसमें दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारा बाह्य चक्रीय द्विबंध हमें मालूम करना आना चाहिए। बाह्य चक्रीय द्विबंध को हम इस प्रकार से कुछ डिनोट करते हैं, जैसे ये संरचना बने, जो ये बॉन्ड बनेगा जिसका रिलेशन दोनों के साथ है, इस वलय के साथ भी है और दूसरे वलय के साथ भी है, इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य चक्रीय बन यानी साइक्लिक बॉन्ड कहते हैं, जिसे ये तो केवल इस वलय के लिए लेकिन ये दोनों वलय में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको हम बाह्य चक्रीय द्विबंध कहेंगे। इसके लिए भी हम कितना लेते हैं, 5 नैनोमीटर लेते हैं, लेकिन एक सयुग्मन का विस्तार यानी सयुग्मन कह दें हम, जैसे जैसे यह मेरा एक सयुग्मन बन रहा है, अब इसके साथ यदि मैं एक और सयुग्मन ऐड कर दूं तो उसकी वैल्यू कितनी ऐड हो जाएगी, इसमें 30 और ऐड हो जाएगी। इसके लिए जैसे हमारा कितना था, यहाँ पर 217 था, इसमें यदि हम एक और सयुग्मन ऐड करेंगे तो हम इसको कितना लिखेंगे, 217 प्लस 30, यानी इसे हम 217 कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार यह समवलयकार हैं, जिसके लिए हमने अभी पहले देखा कि 253 नैनोमीटर मूल मान होता, लेकिन यहाँ पर हम अवलय देखें यानी अवशेष वलय देखें, तो अवशेष वलय में इसको इस प्रकार से ड्रॉ करूँगा तो ये कितने जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, यानी यहाँ पर मेरी अवशेष वलय 3 है, 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये 15 आएगा, और बाह्य चक्रीय बंध 1 है जिसके लिए मैं 5 नैनोमीटर लिखूँगा, और सयुग्मन विस्तार के लिए मेरे पास एक द्विबंध है जिसके लिए मैं 30 नैनोमीटर लिखूँगा। मैं आशा करता हूँ ये जरूर आपको समझ आ रहा होगा, तो इसका मैं कुल योग करूंगा तो मेरे पास 303 नैनोमीटर आएगा। और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम विषम वलयकार डाइन, यहाँ पर हम देखें तो विषम वलयकार है, लेकिन यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक और ये चक्रीय बॉन्ड आ रहा है, और इसको मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये कितने जगह काट रहा है, 1, 2, 3, 4 जगह काट रहा है। या तो आप इसको 4 जगह ले सकते हो, या आप कह सकते हो 3 वलय अवशेष तथा एक एल्किल समूह जो बाहर है वो हमारा एल्किल समूह है, इसके लिए 5 लेंगे, इन 3 के लिए 15 हो जाएगा। और विषम वलयकार के लिए अभी हम पहले जान चुके हैं, फर्स्ट में जैसे हमने जाना था कि इसके लिए हमारा 214 नैनोमीटर होता है, तो यहाँ पर भी हम 214 नैनोमीटर लेंगे विषम वलयकार के लिए। यहाँ पर इस बॉन्ड की हम बात करें तो यह हमारा बाह्य चक्रीय द्विबंध है, जिसके लिए हम 5 नैनोमीटर लेंगे। इनको टोटल को यदि मैं ऐड करता हूँ तो 239 नैनोमीटर कुल लैम्डा मैक्स आएगा। अभी हम दोस्तों वुडवर्ड तथा फीजर के नियम अनुसार लैम्डा मैक्स की कार्बनिक यौगिकों में कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, जिसके लिए अभी हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। मैं आपको वही एग्जांपल शेयर कर रहा हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें हम देखें तो कि हमारा समवलयकार है जिसमें एक एल्किल समूह उपस्थित है, और यहाँ पर 2 वलय अवशेष हैं जिसके लिए 10 हो जाएगा। समवलयकार के लिए हम जानते हैं मूल मान 253 नैनोमीटर होता है। अब इनके लिए कैलकुलेट करूँगा तो एक्स्ट्रा मेरे पास 15 नैनोमीटर है, इस टोटल को ऐड करूँगा तो मेरे पास 268 नैनोमीटर आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास चक्रीय बॉन्ड कितने हैं, तो पहले उनको गिन लेंगे। एक तो ये हमारा चक्रीय बॉन्ड है, एक ये हमारा चक्रीय बॉन्ड है, एक ये हमारा चक्रीय बॉन्ड है। चक्रीय बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जो कि खुद की श्रृंखला में स्थित हो लेकिन
साथ साथ में उस दूसरी श्रृंखला में भी उसका कुछ पार्टिसिपेट हो, यानी वो दूसरी श्रृंखला से भी जुड़ा होना चाहिए जहाँ से दूसरी श्रृंखला जुड़ रही है, उसको हम पारिचक्रिय बंद द्विबंध कहते हैं। तो इसका मूलमान ये समवलयकार हैं, इसीलिए इसका मूलमान हम जानते हैं कि कितना होगा, 253 नैनोमीटर। देख लीजिए ये समवलयकार हैं और इसमें अवशेष वलय गिनना चाहें तो ये कितने जगह काट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जगह काट रहा है, तो हम लिख लेंगे 5 वलय अवशेष, जिसके लिए 25 नैनोमीटर। 2 सहयुग्मन, सहयुग्मन विस्तार कितना हमारा यहाँ पर, एक जैसे इसको हमने मूल माना तो एक तो सहयुग्मन ये है, एक सहयुग्मन ये है। एक सहयुग्मन के लिए अभी हम पहले जान चुके हैं कि कितना लेते हैं, 30 नैनोमीटर, तो इसके लिए 2 के लिए हम 60 नैनोमीटर ले लेंगे। अब इसमें बाई चक्री बंद देखें तो अभी हमने जैसा कि जाना कि एक यह है, एक यह है, एक यह है, 3 है। एक बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए हम 5 नैनोमीटर लेते हैं तो 3 के लिए 15 नैनोमीटर लेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास लैम्डा मैक्स हो जाएगा 353। इसी प्रकार इस वलय को देख लीजिए जिसमें ए वलयकार डाइंस दे रखी हैं, ए वलयकार डाइंस के लिए हमारे पास 217 नैनोमीटर होता है। ए वलयकार डाइंस क्यों लेंगे, क्योंकि यह न तो इस बेंजीन वलय में है सेगमन और न केवल ए वलयकार में, ये दोनों के साथ है, तो इसीलिए हम इस प्रकार के एग्जांपल को ए वलयकार में ही लेंगे, जिसके लिए 217 हम मूल मान लेते हैं। और यहाँ पर यदि मैं इसको इस प्रकार से ड्रॉ करूँ तो मेरे पास अवशेष वलय कितनी आती, 2 आती, जिसका 10 नैनोमीटर हो जाएगा। इन टोटल को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 227 नैनोमीटर आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं जिसमें हम देखें तो हमारे पास समवलयकार है, समवलयकार के लिए हम 253 नैनोमीटर लेते हैं। यहाँ पर 2 वलय अवशेष है, यानी ये कट कितने जगह कर रहा है, और यहाँ पर 2 एल्किल समूह भी हमारे पास उपस्थित हैं, तो इसका टोटल 20 हो जाएगा, 253 और 20 273 नैनोमीटर आ जाएगा। अब और नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं जिसमें हम देखें तो हमारे पास विषम वलयकार डाइन है, विषम वलयकार डाइन के लिए हम जानते हैं कि 214 नैनोमीटर होता है। 214 नैनोमीटर तो हमारा मूल मान है, ये कितने जगह कट कर रहा है, 2 जगह, जिसके लिए सॉरी ये 3 जगह कट कर रहा है, यानी अवशेष वलय हमारे कितनी है, 3 के लिए 15 नैनोमीटर। और यहाँ पर साइक्लिक बॉन्ड देखें तो ये हमारा साइक्लिक बॉन्ड बन रहा है, साइक्लिक बॉन्ड के लिए हम 5 नैनोमीटर काम में लेते हैं, यानी इसका टोटल लैम्डा मैक्स जो आएगा 234 नैनोमीटर आएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को शेयर करने का प्रयत्न किया। मैं आशा करता हूँ जरूर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस प्रकार से इस वीडियो इसके लिए भी देख लें तो भी हमारे पास यहाँ पर ये एक चक्रीय बॉन्ड और आएगा जो कि मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है। इसमें विषम वलयकार है, इसके लिए हम मूल मान 214 नैनोमीटर लेंगे। 3 अवशेष वलय हैं, 3 अवशेष वलय किस प्रकार से बनेगी, सॉरी दोस्तों इसमें डबल बॉन्डिंग वो पीछे वाला जो एग्जांपल था उसमें था, इसमें था हम केवल इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, मैंने पहले वैल्यूज देखी नहीं थी, वैल्यूज मेरी केवल इनकी ही लिखी हुई है। तो इस प्रकार आप भी ध्यान रखें कि इस प्रकार यदि कोई आ जाए तो उसे आप कन्फ्यूजन मत हो। विषम वलयकार के लिए 214 नैनोमीटर, यहाँ पर 3 वलय अवशेष रह रही है, ये जैसे 3 वाले अवशेष हैं तो इनके लिए 15 नैनोमीटर। और यहाँ पर हम देखें तो एक साइक्लिक बॉन्ड है जिसके लिए हम 5 नैनोमीटर लेंगे, यानी इसका टोटल 234 नैनोमीटर होगा। दोस्तों अपने भाई सुरेंद्र विष्णु को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें। मैं आशा करता हूँ कि यह हमारा चैनल आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहता है। इस प्रकार मैं आपको बीएससी से रिलेटेड अनेक वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ, फिजिक्स प्रैक्टिकल के भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, और थ्योरी में मैं जितना हो सकता है उतना मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कराने का प्रयत्न करता हूँ। दोस्तों ये मेरी शुरुआत है, यदि आप अपने भाई को सपोर्ट करोगे तो आपका भाई आपके लिए भविष्य में और भी आपको ज़्यादा सहायता प्रोवाइड कराएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, यह सेवा फ्री है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है।